Hello everyone, a warm welcome to new YouTube video. I hope you are all fine and safe. I am super excited to tell you that we are going to start a 30 days series of IELTS reading. So in these 30 days we will discuss each and every concept and everything about IELTS reading. So ye 30 dino mein hum kya karne wale hain, hum karne wale hain ye 30 din aapke sath har roz reading ki ek nayi video lekar aayenge jisme hum each and every type of question ke bare mein discuss karenge. और इसके साथ साथ डिफरेंट स्ट्रेटजीज, क्या क्या डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज हमें फॉलो करनी चाहिए, वो सारी बातें करेंगे हम आने वाले 30 दिनों में. सो ये एक बहुत अच्छी जो है शुरुआत है हमारी, आई थिंक सो कि बहुत अच्छा होने वाला है ये 30 डेज, क्योंकि इन 30 डेज में आप जो है रीडिंग का जो डर है आपके दिमाग से वो बिल्कुल चला जाएगा. सो दिस इज द फर्स्ट डे ऑफ अवर सीरीज ऑफ 30 डेज रीडिंग चैलेंज. सो मेन बात ये है अब करने वाली कि 30 डेज की सीरीज है और ये है हमारा डे वन, बट हम 30 दिनों में क्या करने वाले हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम रीडिंग को अच्छी तरह से निचोड़ कर जो है उसका अच्छी तरह से जो भी रिजल्ट निकलेगा वो हम लेने वाले हैं, अज्यूम करने वाले हैं. बट व्हाट विल वी डू टूडे, आज हम क्या करेंगे वो बात है जरूरी. सो आज भी हम कुछ इंटरेस्टिंग ही आपको बताएंगे रीडिंग के बारे में, और ये सिर्फ बेसिक है क्योंकि आज डे वन है सो बेसिक ही बताएंगे. बट हाँ, इससे आपका जो है माइंडसेट हो जाएगा, आप इसके लिए प्रिपेयर रहोगे कि हाँ आने वाले दिनों में हमें क्या मिलने वाला है. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा. अगर आप चैनल पर नए आए हो तो मैं बता दूं, मेरा नाम है मनप्रीत और आप देख रहे हो आज फीवर चैनल, और वीडियो को करते हैं अब जल्दी से स्टार्ट. सो मेन क्वेश्चन इज व्हाट विल वी डू टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स, कि आईएलटीएस रीडिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है एकेडमिक एंड जनरल कैंडिडेट्स के लिए. सो मैं बेसिक से इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पर नया आईएलटीएस करने वाला है सो उसके लिए भी थोड़ा ईजी हो जाए. अगर आपको ये थोड़ी सी आप फास्ट फॉरवर्ड कर देख सकते हो इस वीडियो को, अगर आपको बेसिक्स के बारे में नॉलेज नहीं लेनी है तो. सेकेंड हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन टाइप्स की, कि क्या क्या क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं. देन स्ट्रेटजीज, कि किस क्वेश्चन टाइप में किस तरह की स्ट्रेटजीज जो है वो फॉलो की जाती हैं ताकि आपको राइट आंसर मिल सके. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट रोड मैप. व्हाट इज द रोड मैप? रोड मैप क्या है? रोड मैप एक ऐसा फॉर्मेट है, ऐसी स्ट्रेटजी है, ऐसी टेक्निक है जो आपको हेल्प करेगी टू क्लियर योर आईएलटीएस रीडिंग एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, जो आपको एक अटेम्प्ट में ही आईएलटीएस रीडिंग का एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करेगी. सो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्रक्चर से. सो अगर बात करें हम स्ट्रक्चर की, सो आईएलटीएस रीडिंग का जो टेस्ट स्ट्रक्चर है अकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग के लिए दोनों के लिए डिफरेंट होता है. और वो कैसे डिफरेंट होता है, कि जो एकेडमिक कैंडिडेट हैं उनके पास 3 लार्ज टेक्स्ट पैसेजेस आते हैं और वो लिए जाते हैं टेकन फ्रॉम न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स, जो न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स या मैगजीन में से कुछ आर्टिकल्स उठाकर उनको जो है डाला जाता है रीडिंग में, और उसके बाद जो है क्वेश्चन दिए जाते हैं. जबकि जर्नल कैंडिडेट्स की अगर बात की जाए तो जर्नल ट्रेनिंग का एग्जाम देने वाले हैं उनके पास अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टेस्टेजेस आते हैं, जो कहाँ से लिए गए होते हैं, एडवर्टीजमेंट से, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, मोनूमेंट से, बुक से, न्यूज़पेपर, मैगजीन. सो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है कंटेंट आपको देखने को मिलेगा जर्नल ट्रेनिंग में. और जो 4 टेस्टेज होते हैं इसमें वो होते हैं छोटे, जो एडवर्टीजमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और मैगजीन की कटिंग में से लिए गए होते हैं. बट यस, 1 लार्ज टेक्स्ट जो टेक्स्ट पैसेज है जो आपको देखने को मिलता है वो बिल्कुल लास्ट में दिखता है, और वो बिल्कुल एज इट इज सेम होता है न्यूज़पेपर में से लिया गया आर्टिकल, जिस तरह की आपको अकेडमिक में देखने को मिलता है. अब बात करते हैं क्वेश्चन टाइप्स की, कि क्या क्या क्वेश्चन टाइप आपको देखने को मिलते हैं आईएलटीएस रीडिंग के एग्जाम में. शॉर्ट आंसर, सेंटेंस कम्प्लीशन, समरी कम्प्लीशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, टेबल कम्प्लीशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम्स, मैचिंग, पैराग्राफ सिलेक्शन, ट्रू फॉल्स, नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन, हार्डिंग डायग्राम. सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपको देखने को मिलते हैं. सो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन टाइप्स होने के बाद आप सेम स्ट्रेटजीज कैसे फॉलो कर सकते हो? हर स्ट्रेटजी जो है, हर क्वेश्चन टाइप की स्ट्रेटजी जो है वो डिफरेंट होगी.
जब क्वेश्चन टाइप ही अलग है तो स्ट्रेटजी भी डिफरेंस होगी, और इनमें क्या डिफरेंस होगा वो हम आने वाली वीडियोस में वन बाय वन करके जो है डिस्कस करेंगे, अदरवाइज आज की वीडियो जो है काफी लेंथी चली जाएगी। बट इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जो स्ट्रेटजीज है वो कैसे काम करती हैं। स्कीमिंग एंड स्कैनिंग के बारे में आपको पता है, बट राइट जो है स्कीमिंग कैसे होती है, अच्छे से स्कैन कैसे किया जाता है, क्या राइट कीवर्ड होता है, ये सारी बातें हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और ज्यादातर क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो इन ऑर्डर आपको आंसर मिलते हैं, यानी कि एक का आंसर मिल गया तो उसके बाद ही आपको दूसरे का आंसर मिलेंगे। बट यस, कुछ क्वेश्चन टाइप्स ऐसे भी हैं जिनके आपको आंसर जो है ऑर्डर वाइज नहीं मिलते, जिस तरह की लिस्ट ऑफ हेडिंग, मैच द इन्फॉर्मेशन एंड जो हेडिंग सिलेक्शन वाले होते हैं या पैराग्राफ सिलेक्शन वाले होते हैं, इनके आपको आंसर ऑर्डर्स में नहीं मिलते। सो किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है वो सारी बातें हम जो है आने वाली वीडियोस में करेंगे। सो अब बात करते हैं हमारे मेन बात जो हमने डिस्कस करनी है, रोड मैप। सो ये रोड मैप ही है जो आपको प्रिपेयर करेगा कि आपका टारगेट सेट करें आप और आप अपना उस टारगेट को अचीव करें। सबसे पहले बात करते हैं कि रोड मैप है क्या। रोड, R means read instructions carefully. आपको क्या करना है, जब रीडिंग आती है तो बहुत सारे स्टूडेंट कहाँ मिस्टेक करते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस ही केयरफुली रीड नहीं करते। मतलब कि अगर आपको दिया गया है नो मोर देन टू वर्ड्स तो आपको दो वर्ड से ज्यादा नहीं लिखने। यस, आप वन और टू वर्ड्स लिख सकते हो। और यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि आपको जो एग्जांपल्स दिए गए होते हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, उनको एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए कि वहां पर 55 नंबर में लिखा है तो आपको नीचे अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो आपको नंबर में ही लिखना है। अगर वो 55 आपको वर्ड्स में लिखा है तो आपको वर्ड्स में ही लिखना होगा। सो इसी तरह अगर किसी वर्ड के बीच में हाइफन है, फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टर्म बीच में हाइफन है तो उसे वन वर्ड कंसिडर किया जाता है। और सेकेंड मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, प्रपोजिशंस एंड आर्टिकल ए एंड द, इन, ऑफ, ये जो है वो इन्हें कंसीडर ही नहीं करते वर्ड, बल्कि आईएलटीएस रीडिंग में इनको एक वर्ड कंसीडर किया जाता है। अगर आपको दो वर्ड्स अलाउड हैं और आप लिखते हो अ पेंसिल देन दिस इज काउंट टू वर्ड्स, ओके, इनको दो वर्ड ही माना जाएगा। तो ऐसी गलतियां मत कीजिए, ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है, आपको इंस्ट्रक्शन जो है अच्छे से रीड आउट करनी है। नेक्स्ट O means observe the right strategies, और right strategies आपको देखनी है कि इसमें ये strategies मेरे लिए काम नहीं कर रही तो मुझे क्या right technique है जो मुझे follow करनी है इस question को sort out करने के लिए। अब इस पे मैं आपको एक छोटी सी story सुनाती हूँ। एक फादर जो है न्यूज़पेपर रीड कर रहे थे, उन्होंने अपने बेटे को डिस्टर्ब करने के लिए कि वो उन्हें डिस्टर्ब ना करे, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो उन्हें न्यूज़पेपर के जो कटिंग थी, वर्ड काउंट थी, यानी कि जिस पे वर्ड मैप बना होता है उसको फाड़ फाड़ के दे दिया कि आप जाइए और इसे जो है असेंबल करके लाइए। उन्हें ये लगा कि शायद कि अगर मैं इसे देता हूँ तो ये इसे बहुत टाइम लेगा करने में, और जब तक ये आएगा तब तक मेरा न्यूज़पेपर जो है मैं अच्छे से रीड कर चुका हूँगा। तो पर ऐसा नहीं होता, जो लड़का होता है वो 2 सेकंड में ही वापस आ जाता है, 2 से 3 सेकंड में वापस आ जाता है। उसके फादर पूछते हैं कि तुमने तो वर्ड मैप जो है जो बना होता है वो भी बनाना नहीं आता, तो तुमने इसे इतने जल्दी असेंबल कैसे कर लिया। तो वो कहता है कि पापा बहुत इजी था, इसके पीछे साइड पे जो है वो एक फोटो बनी थी, एक पिक्चर बनी थी, मैंने उसे असेंबल किया तो ये अपने आप असेंबल हो गया। सो आप भी यहीं पर आपको ये देखना है कि अगर वो क्वेश्चन एक स्ट्रेटजी से सॉल्व नहीं हो रहा देन लीव दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसे दूसरे स्ट्रेटजी से, यानी कि दूसरे पॉइंट से, कि हाँ अगर इस पॉइंट से ये सॉल्व नहीं हो रहा तो दूसरा वे सोच के आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए तो शायद वो सॉल्व हो जाए। तो आपको ये फॉलो करना है। देन ए मीन्स एनालाइज योर मिस्टेक्स, आपको अपनी गलतियों पर काम करना है। एंड मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको अपनी गलतियों पर काम करना है। मान लीजिए कि आपके 8 क्वेश्चन गलत हैं और वो 8 क्वेश्चन जो गलत हैं वो क्यों गलत हैं, क्या रीज़न है, क्या आपको लोकेशन नहीं मिली, क्या आपने उसे समझने में गलती कर दी, या आप कंफ्यूज थे 2 आंसर्स में, या फिर आपको हेडिंग तो पता लगी थी, आपको ये था कि इसके लिए ये सूटेबल हेडिंग होगी इसलिए मैंने इसको लगा दिया। तो अगर ऐसी कन्फ्यूजन्स है ना आपके दिमाग में, वो हम आने वाली वीडियोस में सॉल्व तो करेंगे बट आपको अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करना पड़ेगा। आपने जब एनालाइज कर ली उसके बाद आपको उन पर काम करना है।
नेक्स्ट है डी मीन्स डेडिकेशन, आपको डेडिकेट रहना है। और डेडिकेशन आप कैसे दिखाओगे? पार्टिसिपेट करके। मुझे आपकी तरफ से सिर्फ दो बातें चाहिए, दो प्रॉमिस चाहिए जो आप मुझे करोगे, और इस 30 डेज सीरीज में आपका पार्टिसिपेशन मुझे चाहिए और आपका सपोर्ट मुझे चाहिए। आपका सपोर्ट आप किस तरह करोगे? आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फुल देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप फुल वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगे कंसेप्ट। सेकेंड, अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो डेफिनेटली हम आपके लिए इससे भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे। सेकेंड प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए, आपकी पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन इसलिए भी जरूरी है कि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे उतना आप लर्न करोगे। मीन्स कि जब हम टास्क परफॉर्म करेंगे आने वाली वीडियोस में, जैसे कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की एक वीडियो बनेगी, उसमें हम टास्क कंप्लीट करेंगे, हम आपको समझाएंगे स्ट्रेटजीज, उसके बाद जो आपको टास्क दिया जाएगा वो पार्टिसिपेशन आपकी जरूरी है कि आप उनका सोल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आपको नहीं भी समझ आता तब भी आप हमें जो है फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर नहीं हुआ, प्लीज मेक अनदर वीडियो ऑन इट, सो हम दोबारा से भी उस पर वीडियो बना देंगे। तो आपकी डेडिकेशन यहाँ हमें चाहिए। ओके, देन बात आती है मैप की। अब मैप क्या है? एम मीन्स माइंड सेट, आपको अपना माइंड सेट करना है। बहुत से स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो सिर्फ यही कहते हैं कि हमारे सिर्फ जो है 6 बैंड आ जाए रीडिंग में, इतना ही बहुत है यार, इस बार तो 6.5 भी आ जाए ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पर ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपकी सोच जो है 6 एंड 6.5 पर स्टक होगी, यहीं तक ही रहेगी, तो आप जो है ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आपको अपना टारगेट जो है वो हाई रखना है। सो हाई टारगेट रखिए, माइंड सेट कीजिए, अपने माइंड को उसी तरह प्रिपेयर कीजिए। अगर आप 6 टारगेट लेकर चल रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन 6 तक ही होगी। अगर आप 8 लेकर चलोगे टारगेट तो आपकी प्रिपरेशन जो है, आप एफर्ट उतने लगाओगे, आपका माइंड सेट होगा कि आपको 8 बैंड चाहिए। सो माइंड सेट बहुत जरूरी है। और नेक्स्ट है ए अप्रोच, अप्रोच करनी है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अप्रोच कैसे करोगे आप? आपको पार्टिसिपेट करना है वीडियोस में, इसके साथ साथ आपको वीडियोस अच्छे से देखनी है, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। पी मीन्स प्लानिंग एंड प्रैक्टिस। प्लानिंग करनी है कि नेक्स्ट डे मैं कौन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ, कौन सी नई स्ट्रेटजीज को सीखने वाला हूँ, क्या मैं नेक्स्ट डे फुल पैसेज करूंगा, या नेक्स्ट डे मैं जो है फुल रीडिंग करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द मेन की टू सक्सेस। ओके, मेन की है आपकी प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। बट मैं फिर यहाँ पर एक बात बता दूं कि प्रैक्टिस आपको हार्ड वे में नहीं करनी, स्मार्ट वे में करनी है, और वो स्मार्ट वे हम आपके साथ जरूर डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। सो हमारे साथ बने रहिएगा पूरी सीरीज तक। सो इस सीरीज के बारे में आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और इस रोड मैप के रहते आप जरूर जरूर सक्सेस हासिल करोगे, और आपका जो है बैंड स्कोर वो डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।